हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ फैशन यू चेतना और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हैंड बैग हॉल। ये हैंड बैग हॉल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रिसेंटली मैंने मिंत्रा से परचेज किए हैं एंड इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और बेसिकली ये बैग जो है वो हूबो कलेक्शन में से हैं, मतलब इनका साइज़ जो है बहुत ही बड़ा है। बस एक दो बैग है जो मीडियम साइज़ के हैं। सो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको ऑफिस जाते हो या बाहर अपनी मीटिंग के लिए जाते हो और आपको एक ही बैग के अंदर आपका मेकअप का सामान, आपकी मेडिसिन या कुछ भी आपका जो भी सामान होता है वो सब एक ही बैग में रखना होता है, तो उसके लिए ये हॉल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े बैग हैं, लाइक कंपार्टमेंट भी बहुत अच्छे हैं एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है। और इनका जो प्राइस रेंज है वो 1000 से 1500 के अंदर है। सो मेक श्योर आपको बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है इस वीडियो हॉल को देखने के बाद। सो मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है। एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन और भी इन बैग्स में आपको कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। सारे हैंड बैग्स का लिंक्स जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा गाइज। एंड कलर ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं और अभी मैंने जो कलर ऑप्शन पिक किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैं हैंडबैग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा सा सी ग्रीन कलर है और इसमें बहुत अच्छे कंपार्टमेंट है। लाइक आप न्यूली मैरिड हो और या फिर आप एक न्यू बैग खरीदना चाहते हो जो स्टड क्वालिटी का हो और बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट हो, लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छा हो, सो उसके हिसाब से ये बैग बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें 3 कंपार्टमेंट अंदर की साइड है, 3 to 4 कंपार्टमेंट अंदर की साइड एंड बैक साइड में आपको जिप मिलता है। सो इसकी क्वालिटी जो बहुत ही स्टड टाइप की है मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। आगे फ्रंट में ब्रांड नेम दिखाता है और इस टाइप से ये जिप डिज़ाइन है और इसकी जिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फ्रंट में एंड बैक साइड में दोनों साइड में जिप डिज़ाइन है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कंपार्टमेंट दिखाती हूँ, 1 कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट एंड 3 कंपार्टमेंट। 3 कंपार्टमेंट है और इसके अंदर आपको स्मॉल पॉकेट मिलता है जिसमें आप अपना सीक्रेट मनी या वगैरह जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। इसके साथ में आपको एक स्ट्रैप मिलता है जो आप इसके साथ में अटैच कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप स्मॉल बैग ही आपको इस टाइप से लेना है तो भी आप ले सकते हो विदाउट स्ट्रैप। और बैक साइड में आपको जिप मिलती है। सो बहुत ही स्टड क्वालिटी का बैग है। कलर ऑप्शन बहुत अच्छा है, 2 से 3 कलर ऑप्शन आपको और देखने को मिलेंगे। आप इसके लिंक पर जाओगे तो साइड में आपको कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। मुझे पर्सनली ये कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने ये पिक किया। एंड इसका जो ये हैंडल्स हैं पकड़ने के लिए वो भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। नेक्स्ट बैग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत अच्छा क्वालिटी का बैग है एंड बहुत ही लार्ज साइज़ में आया है। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा साइज़ का आएगा बट बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज़ है। मेरा एक जो पहले मिंत्रा हैंडबैग कलेक्शन का वीडियो था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और उसमें मैं लिंक देना भूल गई थी, दैट्स वाई आई मेक अनदर वीडियो कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। सो ये जो है बहुत ही बड़ा बैग है, इसकी लेदर की क्वालिटी ऐसी है जैसे कि आपको प्योर लेदर लगेगा एंड प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, लाइक 1050 रुपीज़ का ये बैग है। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसके साइड में ये जो आपका फ्रंट बैग है इसके इस टाइप से साइड में जिप आता है और यहाँ पे स्मॉल पॉकेट आती है। अगर आप बहुत जल्दी में तो आप अपना मोबाइल यहाँ रख सकते हो। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी एंड आपको मैं अंदर से दिखाऊंगी। तो ये एक ही बड़ा लार्ज कंपार्टमेंट है आप देख सकते हैं इस टाइप से। सो एक ही बहुत बड़ा लार्ज कंपार्टमेंट में जिसमें आपका खूब सारा सामान आ सकता है, लाइक आपकी वन ड्रेस, मेडिसिन, आपकी जो भी आप रखना चाहते हो पर्सनल सामान वो सब आ सकता है। एंड बैक साइड में आपको जिप मिलता है अगेन। सो ये भी बहुत ही अच्छा खासा बड़ा जिप है बैक साइड में जो मिलता है। और पर्सनली इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। ये थोड़ा डस्की ब्राउन कलर जो आता है ना उस टाइप का कलर है, जो मुझे इस टाइप का कलर बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास में ऐसा कोई कलर भी नहीं है सो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। एंड इसका स्ट्रैप जो आपको थोड़ा स्मॉल मिलता है, ये आप इसको लूज़ करके बड़ा नहीं कर सकते और साइड में आपको इस टाइप से ये सीक्वेंस टाइप की डिज़ाइन मिलती जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड सो ओवरऑल इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैग है।
नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, सिमिलर थोड़ा डिज़ाइन है जो मैंने लास्ट वाला बैग आपको दिखाया था, बस इसका कलर जो है वो भी डस्की पिंकी शेड का कलर है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मस्त प्राइस अगेन 1400 और 1300 मैंने पे किया है, और इसके अंदर आपको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट मिलता है और स्मॉल पॉकेट भी मिलती है साइड में, और इसके बाहर की साइड में आपको कोई पॉकेट नहीं मिलती है, सब अंदर ही एक बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है। एंड इधर साइड में दो इस टाइप से फ़ोन रखने के लिए आपको पॉकेट्स मिलती है। सो इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा इस टाइप का डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। और इसके साथ में भी आपको स्मॉल स्ट्रैप मिलता है और ये राउंड सर्कल्स मिलते हैं स्ट्रैप के साथ में, जो कि इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। सो मुझे इसका लुक, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वर्थ है। इसका भी जो लेदर है वो सॉफ्ट लेदर जो आता है ना, उस टाइप का लेदर है। सो क्वालिटी और फैब्रिक एवरीथिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे बैग भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप एक ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छा सिंपल सोबर एंड गुड कलर ऑप्शन में कोई बैग हैंडबैग पिक करना चाहते हो तो ये पिक कर सकते हो। हैंडबैग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, दिखने में ये बहुत बड़ा दिख रहा था, मैंने खरीद लिया, बट ये एक स्लिंग बैग है, शायद मैंने ठीक से नहीं पढ़ा हो। सो ये एक स्लिंग बैग है, बैगेट का है और मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, और इसका प्राइस आई थिंक 1200 या 1000 रुपीज़ मैंने पे किया। सो इसकी स्ट्रैप बहुत ही एडजस्टेबल है, आप इसको लॉन्ग कर सकते हो एंड ये स्मॉल आपको स्ट्रैप मिलती है जिसको इस टाइप से आप कैरी कर सकते हो। बैक साइड में आपको जिप मिलती है, जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पॉकेट का कपड़ा जो है अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड जब आप इसको ओपन करते हो इस टाइप से, सो आपको यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिलता है और अनदर कंपार्टमेंट यहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर आप अपना मोबाइल फ़ोन या कुछ भी रख सकते हो। आपको पता ही है हम स्लिंग बैग किस लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इसका कलर बहुत अच्छा है, मस्टर्ड येलो कलर, जो बहुत ही सारी ड्रेसेस पे अच्छा लग सकता है और हम स्टाइल कर सकते हैं इसको। अभी इस टाइप के कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी हैं। सो ये स्मॉल सा स्लिंग बैग है बैगेट का, क्वालिटी एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा अफोर्डेबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ब्रांडेड बैग है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बैग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ मेरा फेवरेट बैग, जो कि मैंने H&M से पिक किया है, मिंत्रा से पिक किया है, H&M ब्रांड का है। सो इस बैग को लेके मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, और मेरे पास कोई प्लेन ब्लैक कलर का बैग नहीं है, तो मुझे उस टाइप का बैग चाहिए था। सो मैंने इसको देखकर मैंने सोचा बहुत बड़ा बैग होगा ये, उस टाइप से देखकर मैंने इसको परचेस किया एंड इसका MRP प्राइस है 2300 रुपीज़ इसका MRP प्राइस है, एंड डिस्काउंट के साथ मैंने इसको पिक किया है 1800 रुपीज़ में। सो एक्स्ट्रा कूपन कोड एंड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के साथ में मैंने इसको 1854 रुपीज़ में पिक किया। सो ये तो मुझे बहुत ही बजट में पड़ गया H&M का बैग, बट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे कोई भी आपको ब्रांड टैग वगैरह नहीं मिलता है, मतलब ब्रांड का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है कि ये H&M ब्रांड का है। इसका लेदर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, प्लस आपको एक स्मॉल स्ट्रैप मिलता है, आपको एक लॉन्ग स्ट्रैप मिलता है, आपको स्मॉल स्ट्रैप मिलता है, लॉन्ग स्ट्रैप भी मिलता है एंड सर्कल की डिज़ाइन मिलती है, प्लस आपको जो इसमें जिप मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसमें एक ही बड़ा सा कंपार्टमेंट आपको मिलता है जिसमें आप अपना शायद मेकअप का सामान और आपका डेली केयर मेडिसिन वगैरह उतना ही रख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा बैग नहीं है। लाइक इसमें आप सोचो कि आपकी एक छोटी सी स्मॉल ड्रेस आ जाए तो वो नहीं आएगी। एंड साइड में एक इस टाइप से पॉकेट मिलती है जिसमें आप अपना मोबाइल या स्मॉल पर्स रख सकते हो, इस टाइप से ही मिलता है। सो इस बैग को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इतना सारा प्राइस पे किया है, इतना सारा मनी पे किया है एंड इतना कॉस्टली है, इतनी अच्छी ब्रांड का बैग है तो बहुत ही अच्छा आएगा या बहुत बड़ा आएगा, मैंने ये सोच के ऑर्डर किया था। बट मैं इसको लेके थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई कि यार इतना बड़ा बैग नहीं है, जैसे मुझे बहुत बड़ा हुबो बैग चाहिए था ब्लैक कलर में, क्योंकि वो इस टाइप के बैग थोड़े स्टाइलिश लगते हैं, यू नो, वेस्टर्न आउटफिट के साथ में। सो मुझे उस टाइप का चाहिए था, बट मैं इसको लेके थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि स्मॉल साइज़ का है, अदरवाइज इसकी क्वालिटी, इसकी जिपर की क्वालिटी, इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। बट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे कहीं पे भी H&M मेंशन नहीं है। सो आप किसी भी ब्रांड का इस टाइप से सॉफ्ट मटेरियल के लेदर का बैग पिक कर सकते हो और ब्रांड डजेंट मैटर। मुझे ये बैग लिटरली पिक करने के बाद ये फील हुआ कि कहाँ लिखा हुआ H&M का बैग है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ क्वालिटी से मतलब है ना, तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। सो इसको लेके मेरा ये रिव्यू है। ये
ये मेरे हैंडबैग कलेक्शन कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। एंड इन सारे हैंडबैग का लिंक जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एंड फर्दर और कौन सी हॉल वीडियो आप देखना पसंद करोगे मेरे चैनल में वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और इनमें से सबसे अच्छा बैग कौन सा आपको लगा। एंड वैसे मैं ये सारे बैग आपको स्टाइल करके दिखाई दिया है, तो आपको पता चल गया होगा कि आउटफिट के साथ में ये कैसे जाने वाले बैग, सो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना प्लीज़। ओके, बाय बाय।